हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स के एक साइंस फिक्शन सीरीज द ओएके सीजन 2 के 7वें एपिसोड नीना अज़ारोवा को। दोस्तों, इस एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम करीम को पुलिस के साथ उसी पजल हाउस में जाते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार करीम घर के मेन डोर से अंदर जाता है। वो पुलिस को उसी कमरे में लेकर जाता है जहां सिर्फ एक बिस्तर था। करीम पुलिस वालों के साथ बिस्तर के नीचे बनी सीढ़ियों से आगे जाता है, लेकिन इस बार करीम ने घर के मेन दरवाजे से शुरुआत की थी, इसलिए उसे वह टनल नहीं मिलता। घर का जादू और घर का मॉडल दोनों ही गायब हो चुके थे। करीम उसी दरवाजे को खोलता है जहां उसे जमीन के अंदर आधे गड़े हुए लोग मिले थे जिन्होंने उस पर अटैक किया था। मगर ये देखो, दरवाजे के उस पार आज ऐसा कुछ भी नहीं था, बस थी तो सिर्फ एक सीमेंट की दीवार। करीम ये देखकर बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ हम ओए को देखते हैं जो एक पार्क में एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। वह पानी पीने के लिए पास की एक फाउंटेन पर जाती है। वह अपने चेहरे पर पानी छिड़कती है और ओए को नीना अज़ारोवा का वही समय याद आता है जब उसे हार्ट अटैक आया था और उसे नीना के पास एक आंख की तरह बना एक की चेन भी दिखता है। ओए नीना का बड़ा सा घर देख लेती है और घर के ओर चल पड़ती है। सीन कट होता है और हम करीम को देखते हैं जो फोला से मिलने हॉस्पिटल आया था। फोला उसे कहती है कि उसे घर तक जाने में बहुत समय लगा था, करीम ने उसे घर से बाहर निकाल कर गलती की थी। तभी वहाँ एक डॉक्टर आ जाती है जो उन्हें बताती है कि उनके खून में उन्हें मर्क्यूरी सल्फाइड मिला जिससे उनको हेलुसिनेशंस यानी भ्रम हुए थे। डॉक्टर कहती है कि उस घर के जगह के आसपास उन्हें यह गैस मिलता है, यह बहुत खतरनाक है। डॉक्टर के जाने के बाद फोला करीम को उसी पवित्र झील के बारे में बताती है और कहती है कि इसी झील से मर्क्यूरी सल्फाइड के भाप निकलते थे और इसी वजह से करीम को भ्रम हुआ था कि फोला एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो चुकी थी। फोला आगे बताती है कि पियरी रस्किन चाहता था कि लोग उस घर के बारे में और रोज विंडो के बारे में पता लगाए, इसीलिए पियरी क्राउडसोर्सिंग कर रहा था। अगले सीन में हम ओए को देखते हैं। वह अपने घर के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि पुलिस उसके घर पर नजर रखे हुई थी क्योंकि वह क्लिनिक से भाग कर आई थी। तभी एल उसे खुफिया रास्ते से घर के अंदर ले जाता है और वो लोग देखते हैं कि घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कोई यहाँ कुछ ढूंढ रहा था। एल ओए से कहता है कि तीन आदमी उसे ढूंढते हुए आए थे। होलिये से ओए को लगता है कि एक पियरी रस्किन था, दूसरा हैप और तीसरा डॉक्टर रॉबर्ट्स। वो लोग देखते हैं कि घर का सारा कीमती सामान वैसे का वैसा ही पड़ा था। ओए कहती है कि मेरे पिता कहते थे कि किसी भी चीज को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि उसे अपनी आंखों के सामने रखो। ओए को उसी कीचेन की याद आती है और जब वे उसे गौर से देखती है उसे एक पेन ड्राइव मिलता है। अगले सीन में हम हैप को डॉक्टर रॉबर्ट्स के घर पर देखते हैं जो उसका हालचाल पूछने आए थे क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट्स कुछ दिनों से क्लिनिक नहीं गए थे। डॉक्टर रॉबर्ट्स ने यह कहा था कि वह बीमार है, लेकिन कब से हैप को लोगों की फिक्र होने लगी और अब हमें उसके यहाँ आने का असली कारण पता चलता है। डॉक्टर रॉबर्ट्स को स्कॉट के नियर डेथ एक्सपीरियंस की रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए कहता है। स्कॉट रिकॉर्डिंग में कह रहा था कि उसने ओए और हैप को एक कपल के जैसे देखा और हैप उसे ब्रिट कहकर पुकार रहा था। वे लोग हंस रहे थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन दोनों में बहुत प्यार है। हैप की बातें और आवाज अलग लग रहे थे, वो एक ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहा था। हैप ये रिकॉर्डिंग सुनकर खुश हो जाता है। दोस्तों, होमर अपनी नियर डेथ एक्सपीरियंस में अपने फ्यूचर में गया था और जाहिर है स्कॉट भी अपने फ्यूचर में गया होगा, तो क्या फ्यूचर में हैप और ओए एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे? यही सोचकर हैप वहाँ से जाने लगता है कि तभी डॉक्टर रॉबर्ट्स हैप से रेचल के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि रेचल हॉस्पिटल में नहीं है। हैप इस बात को मानता है और कहता है कि रेचल ने अपना गला काट लिया और मर गई क्योंकि तुमने उसे नीना से बात करने का मौका दिया। हैप उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे डॉक्टर रॉबर्ट्स की वजह से ही रेचल मारी गई। डॉक्टर रॉबर्ट्स दुखी हो जाते हैं और इस बात को मान लेते हैं। तभी हैप उसे कहता है कि वह उसकी मदद करेगा। वो लोगों के दर्द को खुद महसूस करता था, यह की ताकत भी है और कमजोरी भी। फिर हम करीम को देखते हैं जो गुमशुदा हुए बच्चों का पता लगा रहा था। वहाँ हम ओए की टीम के सारे बच्चों को देखते हैं। तभी ओए उसके दरवाजे पर नॉक करती है। करीम उसे पूछता है कि तुम हमेशा क्यों गायब हो जाती हो। दोस्तों, करीम उस घर में ओए को नहीं ढूंढ पाया था और आज वो लोग दोबारा मिल रहे थे। करीम ओए को उन मर्क्यूरी के भाप के बारे में बताता है जिसके कारण उन्हें भ्रम हुए थे। तभी ओए करीम को नीना का कीचेन देती है जो दरअसल एक पेन ड्राइव था। उसे चलाने पर उन्हें डॉक्टर मार्लो रोड्स का एक
एक वीडियो मिलता है जिसमें वह कहती है कि नीना के कहे मुताबिक उन्होंने सप्तों को रिकॉर्ड करना शुरू किया था, लेकिन आज उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से वह खुद को झूठ कह रही थी कि यह उनकी गलती नहीं थी। आगे देखने पर उन्हें मिशेल दिखती है जो नीना के पजल हाउस में थी और वह रोज विंडो को खोल देती है। बाहर देखकर वह बेहोश होकर गिर जाती है। करीम उसे पूछता है कि तुम्हें यह कहां से मिला। वह कहती है कि जब वह आई थी ये नीना के हाथ में था। वो आगे बताती है कि वह एक अलग दुनिया, एक अलग डायमेंशन से यहाँ आई थी जहाँ मिशेल एक लड़की नहीं एक लड़का था। करीम को उसकी कही किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता और वह नीना को ही मिशेल के गुम होने की वजह मानता है। वह ओए को वहां से चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसने करीम की बात नहीं मानी तो वह पुलिस को बुला लेगा। करीम कहता है कि उसे मिशेल की बॉडी ढूंढनी है और ओए कहती है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मिशेल की बॉडी ढूंढ रहे हो। और यह कहकर ओए वहां से चली जाती है। वह पब के मैनेजर विक्टर से फोन पर कहती है कि वह आज रात परफॉर्मेंस के लिए आएगी। अगले सीन में हम स्कॉट को हैप के ऑफिस में देखते हैं। वह स्कॉट को कहता है कि वह उसे और रेनाटा को रिहा कर देगा अगर स्कॉट ने उसके लिए एक आखिरी एक्सपेरिमेंट किया। वह आगे कहता है कि वह मूवमेंट से तंग आ चुका है और इसी डायमेंशन में खुश है। फिर हम करीम को डॉक्टर मार्लो के घर के सामने देखते हैं। वहां उसे घर का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। अंदर जाकर उसे डॉक्टर मार्लो अपने व्हीलचेयर पर मरी हुई मिलती है। उनके सर पर गोली लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। अगले सीन में हम स्कॉट को पजल हाउस के टनल के अंदर देखते हैं। हैप ने उसे एक हेलमेट पहनाया था जिसमें एक माइक और कैमरा लगा हुआ था जिससे हैप अंदर की चीजों को जान सके। स्कॉट उसे कह रहा था कि उसे पानी से डर लगता है। फिर हम करीम को मो के घर पर देखते हैं। उसे पता चलता है कि मो को बच्चा होने वाला है। वे मो को नीना का पेन ड्राइव देकर चला जाता है। मो दरवाजे के पीप होल से देखती है, उसे तीन करीम दिखते हैं। अगले सीन में ओए क्लब में विक्टर से कह रही थी कि वो उसे नीना के बारे में बताए। तभी वहाँ ओए से इलोडी की मुलाकात होती है। इलोडी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम वही हो जिससे डॉक्टर पर्सी प्यार करते हैं। वो ओए को बताती है कि वो उसी की तरह एक ट्रैवलर है जो दूसरी डायमेंशन से आई है। ये सुनकर ओए उसे पूछती है कि वह नीना की यादों को कैसे जान सकती है। इस पर इलोडी कहती है कि उसे अपने दिमाग को नीना के दिमाग से जोड़ना पड़ेगा। वह आगे बताती है कि नीना की यादों को दबाने से वह हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। ओए इलोडी से पूछती है कि मैं हैप से कैसे बच सकती हूँ। इलोडी कहती है कि तुम हैप से कभी भी नहीं बच सकती क्योंकि तुम हैप और होमर सारे डायमेंशन में जुड़े हुए हो। तुम जहाँ भी जाओगी उन्हें वहाँ पाओगी, इसलिए तुम्हारे आने से पहले से ही नीना, डॉक्टर पर्सी और डॉक्टर रॉबर्ट जुड़े हुए थे। इससे ओए समझ जाती है कि एक डायमेंशन में हुई चीज़ों का असर दूसरे डायमेंशन पर भी पड़ता है। जैसे प्रायरी बक को जानती थी वैसे ही मिशेल नीना से कनेक्टेड थी। इलोडी कहती है कि तुम इस कनेक्शन को कभी नहीं तोड़ सकती और अगर तुमने ऐसा किया तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। शायद तुम ऐसी दुनिया में चली जाओगी जहां तुम और होमर एक दूसरे के जानते भी नहीं होगे। इलोडी आगे कहती है तुम्हें हैप की जरूरत है क्योंकि वो तुम्हारी परछाई है। वो कहती है कि मैंने हैप को कुछ दिया है, मैं तुम्हें भी एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इलोडी कहती है कि अगर तुम होमर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले नीना एजुरोवा की यादों को हासिल करना होगा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। सीन कट होता है और हम करीम को पियरी के घर पर देखते हैं। करीम उसे मिशेल का वीडियो दिखाकर धमकाता है। सीन कट होता है और हम स्कॉट को देखते हैं जो टनल के रास्ते से घर तक पहुंचता है, लेकिन वह रोज विंडो तक नहीं पहुंच पाता और आधे रास्ते में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ओए नीना के घर लौटती है और खुद को बाथटब में डुबा लेती है। उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल वही समय था जब वह बचपन में स्कूल बस में पानी में डूबी थी। फिर हम देखते हैं कि ओए नीना की पूरी मेमोरीज हासिल कर लेती है और नीना को खुद के अंदर पाती है। सीन कट होता है और हम पियरी को करीम से कहते हुए देखते हैं कि उसने डॉक्टर मार्लो को नहीं मारा। वह कहता है कि मेरे पास डॉक्टर मार्लो को मारने का कोई मोटिव नहीं है। वह आगे कहता है कि कभी कभी हमें नए खोज करने के लिए लोगों की बलि देनी पड़ती है। वह करीम को एक कमरे में लेकर जाता है और वहां करीम मिसेस वू को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है। पास के ही बिस्तर पर मिशेल लेटी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में आत्मा नहीं है। सीन में हम हैप के लैब में स्कॉट को देखते हैं। हैप ने स्कॉट को लियाम की ही तरह लिटा कर रखा था। हम देखते हैं कि उसके कान से एक पौधा निकलता है और वह पौधा एक फूल में तब्दील हो जाता है और अगले ही पल हम हैप को उस फूल के एक टुकड़े को खाते हुए देखते हैं। हैप को कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसमें एक औरत किसी को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कह रही थी। सीन कट होता है और हम करीम को देखते हैं जो मिसेस वू से नाराज था क्योंकि उन्होंने उसे मिशेल को ढूंढने के लिए झूठ कहा था जबकि मिशेल तो कभी गायब हुई ही नहीं थी।
मिसेस वु कहती है कि ये मिशेल नहीं है, मेरी मिशेल अभी भी उसी घर में कैद है और तुम्हें उसे ढूंढ कर लाना ही पड़ेगा। ये सुनकर करीम वहाँ से चला जाता है। जाते जाते पियरी पूछता है कि क्या डॉक्टर मार्लो ने उसे चार चीज़ों के बारे में बताया जिन्हें लोग सपने में देख रहे थे। वो कहता है कि वो चौथा चीज़ किसी आदमी का चेहरा है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? और ये रहा धमाका, उस आदमी का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि करीम का था। पियरी कहता है कि वो तुम हो जिसे वह घर बुला रहा है। एपिसोड के आखिरी सीन में हम ओए को देखते हैं जो बिल्कुल नीना के स्टाइल में डॉक्टर पर्सी से मिलने ट्रेजर आइलैंड के क्लिनिक में आई थी। दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आशा है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।